अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ चिकन बिरयानी बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज़ में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पतीले में पानी दे देना है, इसमें हसबे जायका नमक डाल दें और बॉयल करते हुए आप लोगों ने एक चम्मच इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का भी ऐड कर देना है, ठीक है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो एक चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। दूसरी तरफ मटर और चिकन बॉयल होने के लिए मैंने रख दी है, ठीक है। पानी हमारा तकरीबन गर्म होने लग गया है, अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे। तो आप लोगों ने इसमें चावलों को डाल देना है। चावलों को तकरीबन एक घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। तो तमाम चावलों को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको बॉयल करना है। 90% तक बॉयल होने चाहिए, ठीक है, और बाकी ये दम में आ जाएंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने तमाम चावलों को इसमें डाल देना है, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो तमाम चावलों को मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से चम्मच को चला देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने 4 अदद अंडे ले लिए, इसमें आप लोगों ने डाल देना है थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से आप लोगों ने हिला लेना है इसको, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने हिला देना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। और एक पैन में ऑयल दे दें और इसमें तमाम अंडों को डाल दें और अच्छी तरह से इसको पका लें, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे अंडों को पकाने में। तो आप लोगों ने अंडों को बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। अंडों को मैंने पका दिया, आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुके हैं फ्लेम को। अब आप लोगों ने फिर बंद कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे पक चुके हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें, ऐसे आप लोगों ने इनको तैयार कर देना है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें हम लोग डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और 1 मिनट इसको पकाएं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 1 मिनट में अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेती हूँ। एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल की हुई चिकन, ठीक है, जिसके मैंने रेशे तैयार कर लिए थे, ये हम लोग इसमें डाल देंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। 2 मिनट इसको फ्राई करते हैं। 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें गाजर, शिमला मिर्च, ठीक है, ये 2 वेजिटेबल्स आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। इसके अलावा मज़ीद वेजिटेबल्स भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी सी गल जाएँ। तो माशाल्लाह से गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें बॉयल किए हुए मटर डाल देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें बंद गोभी ऐड कर देनी है, ठीक है। इन तमाम वेजिटेबल्स को अब आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है। अच्छी तरह से मैं इसको भूनती हूँ। अच्छी तरीके से मैंने इसको सॉफ्ट किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन क्यूब्स, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्चें, हसबे जायका नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें जो हम लोगों ने अंडे पका कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त हुई है और बहुत ही खुशबूदार हमारे ये चाइनीज़ चिकन बिरयानी तैयार होगी। दूसरी तरफ हम सॉसेस को मिला लेते हैं, जिसमें हो गया वाइट विनेगर 2 चम्मच। इसके अलावा 2 चम्मच ही आप लोगों ने इसमें दे देने हैं सोया सॉस, ठीक है। 2 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच ही आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं चिली सॉस। ये तीनों सॉस आप लोगों ने इकट्ठे मिला देने हैं। इसके बाद अब हम इसकी तह लगाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तह लगाने के लिए उसी पतीले में मैं चावल डाल दूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने चावलों को इसमें डाल देना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने अपने हिसाब से चावलों को डालते जाना है और इसके बाद आप लोगों ने उस मसाले की तह लगानी है, ठीक है। एक तह मैं चावलों की लगाऊंगी और एक ही तह मैं मसालों की लगाऊंगी। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं चावलों को डालती जाऊंगी और
ऊपर से आप लोगों ने मसाले की तह लगा लेनी है, ठीक है। तो तमाम मैं ऐसे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट स्टेप के लेकर तरफ लेकर चलूँगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। मैंने तमाम तह लगा दी, अब जो सॉसेस थे वो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। आप लोगों ने तमाम सॉसेस डाल देने हैं, इसके बाद थोड़ा सा पानी आप लोगों ने इसमें डाल देना है ताकि ये जले ना, और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दम आ चुका है। अब मैं इसको चम्मच को चला लूँगी और अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त किया करें, मैं हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की चीज़ कैसे तैयार होगी। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ, फिर आप लोगों को ले कर चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो पहले इसकी मिक्सिंग कर देते हैं। माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी, अब फाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे चाइनीज़ चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।